नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने की भारत की तारीफ, कहा बुलंदियों पर है भारत और अमेरिका के रिश्ते। कोयंबटूर में ईसा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के मदुरै पहुंची। इससे पहले तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने मदुरै हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामना दी। पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कॉलेजियम प्रणाली का किया समर्थन, बोले इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना अपने एक सैनिक के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू करने जा रही है। आरोपी सिंगलमैन अलीम खान चीनी सीमा के करीब एक परफॉर्मेंस में फील्ड पर तैनात था। वहीं से यह नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास में गुप्त सूचनाएं भेजता था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस सैनिक के खिलाफ अगले 2-4 दिनों में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कुनो नेशनल पार्क में पहुंचाए गए। उन्हें ग्वालियर वायुसेना स्टेशन से MI-17 हेलीकॉप्टर से कुनो पार्क लाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीतों को बाड़े में छोड़ा। 7 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार कार ड्राइवर को ढूंढने में जुटी हैदराबाद की पुलिस। बता दे कि फरार आरोपी श्रीनिवास ने नकली ड्राइवर बनकर आभूषण का व्यापार चलाने वाली एक महिला को अपने जाल में फंसाया और 7 करोड़ के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार हो गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरएसएस के साथ बातचीत करने के लिए जमाते इस्लाम की आलोचना की, साथ ही उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमाते इस्लामी के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि आरएसएस के साथ क्या चर्चा हुई और यह बैठक किस संबंध में की गई थी। महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। बाबा विश्वनाथ समेत सभी प्रमुख शिव मंदिरों में किया जा रहा है पूजन अर्चन। बाबा के भक्त चढ़ा रहे हैं भांग, बेलपत्र और धतूरे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस से की अपील, कहा साथ लड़े तो बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली महापौर का चुनाव 22 फरवरी को होगा, जहां निगम की बैठक के लिए 22 फरवरी को उपराज्यपाल ने मुहर लगा दी है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा करने वाली आपकी भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब में अध्यापकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार की अनदेखी को देखते हुए शनिवार को 4161 अध्यापकों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से खिस्तान में कई सिख अध्यापकों के सिर से पगड़ियां उछाली गई। भिवानी मामले में मृतक के भाई ने कहा कि अगर उसका भाई तस्कर था तो पुलिस ने उसे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। दिल्ली से पाताल भुवनेश्वर गुफा दर्शन को जा रहा आइस्कॉन संतों का दल बागेश्वर पिथौरागढ़ मार्ग पर कलना बैंड के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 16 यात्री घायल हो गए हैं। सिद्धुन से गुंजायमान हुआ बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां लाखों भक्तों ने किया जलाभिषेक। वहीं रात में निकलेगी भगवान भोलेनाथ की बारात। कश्मीर में महाशिवरात्रि के अवसर पर दिखा दो धर्मों का मेल, जस्ट में शामिल हुआ मुस्लिम जोड़ा। उधर राजौरी से शिवखोरी श्रद्धालुओं को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोग हुए घायल। बंगाल में आदिवासियों के लिए अलग धर्म को मान्यता मामले में ममता सरकार ने विधानसभा में पारित कराया प्रस्ताव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का धनुष और बाण चोरी हो गया है, चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, चोर पकड़ा गया है, मैं चोर को धनुष और तीर के साथ मैदान में आने की चुनौती देता हूं। गुजरात में लुटेरे के एक गिरोह ने कुरियर कंपनी के डिलीवरी वैन से 3.88 करोड़ के आभूषण लूट लिए। मामला राजकोट अहमदाबाद राजमार्ग पर स्याला कस्बे के पास का है, जहां वैन रोककर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। PFI के जयपुर कोटा समेत 7 ठिकानों पर NIA ने मारा छापा, इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए गए जब्त। कच्चा पपीता के सेवन से पाचन से लेकर डायबिटीज में राहत मिलता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण, विटामिन, एंजाइम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर रूप से पाया जाता है। कच्चे पपीते में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ACE और B का भी समृद्ध स्रोत होता है। इसके सेवन से और भी कई बीमारियां दूर होती है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ipbonline.com पर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके सबसे पहले अपडेट।